नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत ने पेंगोंग में एक्शन चीन पर किया, मगर ढोल पाकिस्तान के बज गए। कल जैसे ही दुनिया की मीडिया में भारतीय सेना की चीन पर कार्रवाई की खबर फैली, इमरान खान ने तुरंत आपात बैठक का ऐलान कर दिया, जिसमें सेना प्रमुख जनरल बाजवा समेत कैबिनेट के सदस्यों को भी न्योता भेजा गया। यूं भी पाकिस्तान के हाथ पांव भारत चीन के बीच जारी विवाद में सबसे ज्यादा फूले हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार 29-30 अगस्त की रात में पागल लफंडर आर्मी पर इंडियन आर्मी का एक्शन हुआ, उससे पाक फौज में खलबली मच गई है। यह डर उस वक्त और बढ़ा जब भारत ने लेह श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया, पर उसकी घबराहट इस वजह से भी नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत चीन के टकराव में उसका पिसना लाजमी है, क्योंकि भारत चीन के संघर्ष में भारत हर हाल में पीओके और अक्साई चीन पर एक्शन जरूर करेगा। पाक के हुक्मरानों को पीओके की सुरक्षा को लेकर ज्यादा पड़ी है। इमरान खान द्वारा बुलाई गई बैठक में पाक फौज की सुरक्षा तैयारियों की पुनः समीक्षा की गई, जिसमें जनरल बाजवा ने सरकार को भरोसा दिलाया कि मदरसा कौम की मुल्ला फौज चौकस और तैयार है। वैसे जब भी भारत चीन के बीच तनाव में वृद्धि खबरें आती है, पाकिस्तान में ऐसी बैठकों में तेजी आ जाती है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की घबराहट पीओके की सुरक्षा को लेकर बढ़ने लगती है। पीओके की वापसी भारत की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। पाक किसी भी दृष्टि से इस इलाके की सुरक्षा में ढील देने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से पीओके में सेना की हलचल बढ़ा दी है। देर रात से जम्मू से लगती सीमा पर पाकिस्तानी सैनिक तोप और टैंकों को डिप्लॉय करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान के इस्कार्दू एयरबेस में पाकिस्तान एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। भारत की दौलतबाग ओल्डी में पोजीशन बेहद मजबूत है। भारतीय सेना यहां से काराकोरम पास को डोमिनेट कर सकती है। साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर का बड़ा इलाका उसकी नजर में है। पाकिस्तान को जम्मू एलओसी की बजाय अब ईस्टर्न लद्दाख की तरफ से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। खास बात यह है कि भारतीय सेना यहां पूरी तैयारी करके बैठी है, जबकि पाकिस्तानी फौज के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि भारतीय सेना के मुकाबले मोर्चे पर डिप्लॉय हो सके। हालांकि पाकिस्तान ने 1.5 महीने पहले 20,000 से 25,000 सैनिक एलओसी पर जरूर तैनात किए थे, मगर पाकिस्तान उन्हें ज्यादा दिन वहां बैठा कर नहीं रख सका। दरअसल पाक फौज इस वक्त पैसे की कमी से जूझ रही है। एलओसी पर अगर सेना बिठाई गई तो उसका खर्च 30% बढ़ जाएगा, जबकि पाकिस्तान सरकार चीनी तुर्की के आगे झोली फैलाती घूम रही है। जिस दौरान भारत चीन के बीच वार्ता से शांति की संभावना बनी थी, पाकिस्तान ने सुकून की सांस ली थी, मगर परसों पेंगोंग झील में भारतीय सेना की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में फिर से भग्गी मच गई है। इस बार दोनों देशों में संघर्ष की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि भारतीय सेना के चीन के भीतर 4 किलोमीटर तक घुसने की खबरों ने नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा दिया है। चीन इस एक्शन पर पलटवार जरूर करेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी चीन के पक्ष में जरूर कूदना पड़ेगा। कम से कम उसे अपने 6 से ज्यादा एयरबेस चीनी सेना को सौंपने पड़ सकते हैं। ऐसे में भारत एक साथ 2 मोर्चे खोल सकता है, पर पाकिस्तान की दिक्कत यहां तक नहीं है। भारत इस जंग का अकेला योद्धा नहीं है, बल्कि उसके साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी खड़े हैं। संभव है कि ताइवान भी मिलकर चीन की चिता में आग फूके। इस गठजोड़ से पाकिस्तान को चीन की हार साफ साफ झलक रही है। भारत और अमेरिका का निशाना केवल चीन होगा, यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। चाइना पाक आर्थिक गलियारा अमेरिका की आंखों में कांटे की तरह चुभता है। चीन द्वारा पाकिस्तान की जमीन के इस्तेमाल को पाकिस्तान द्वारा इन देशों पर हमला माना जाएगा, इसलिए इन देशों के निशाने पर पाकिस्तान भी जरूर होगा। इस स्थिति में भारत का टारगेट पीओके, अक्साई चीन और वहां से गुजरता सीपैक गलियारा हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि चीन भारत की जंग में पीओके पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान यही दुआ कर रहा है कि फिलहाल यह संघर्ष किसी तरह टल जाए, क्योंकि पीओके पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की उम्मीद उसे इस वक्त नहीं है। अगर मामला सिर्फ भारत और उसके बीच रहता तो बचाव के तौर पर वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगा सकता था, लेकिन यहां तो उसका बचाव करने वाले ही ठोकने पर आमादा दिखते हैं। यानी चीन की कारस्तानी की वजह से पाकिस्तान की निकली पड़ी है, जहां उसे चीन से ज्यादा अपनी पड़ी है। भारत ने लेह श्रीनगर हाईवे को सेफ नहीं किया है, बल्कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर को भी एलओसी पर तैनाती की हरी झंडी दिखा दी है। यह मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 10 से 20 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। भारत बाकायदा इस तूफानी हथियार को एलएसी और एलओसी पर तैनात कर रहा है। यानी भारत की सैन्य तैयारियां दोनों मोर्चों पर समान रूप से की जा रही है। जितने हथियार चीन से मुकाबले के लिए लगाए गए हैं, एलओसी पर भी कमोबेश यही स्थिति है। यह पाकिस्तान के लिए संदेश भी है कि भारत की सैन्य तैयारियां दो मोर्चों पर की जा रही है, जिसमें चीन के साथ पाकिस्तान भी निशाना बनने वाला है। बड़ी बात यह है कि फ्रांस के राफेल फाइटर प्लेन अंबाला एयरबेस पर रखे गए हैं, जहां से चीन और पाकिस्तान को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।
खबर यह भी है कि राफेल विमानों की अग्निखेप में 4 विमान अक्टूबर में आ रहे हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान की धड़कनें और तेज हो गई है। पाकिस्तान की चिंता यह भी है कि पिछले 6 साल से भारतीय सेना जितनी आक्रामक हुई है, पाकिस्तान की मीठी बातों का उस पर असर होना बंद हो चुका है। मोदी सरकार से सेना को मिली खुली छूट से उसकी आक्रामकता में कोई गुना बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सेना के भीतर पीओके और अक्साई चीन को लेकर जो टीस है, वह इस बार जरूर खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि पाकिस्तान के फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य साजो सामान की भारी किल्लत है। उसके पास ऐसी तोपों की कमी है जिन्हें पहाड़ी इलाकों में तैनात करके भारतीय सेना से लोहा लिया जा सके, जबकि भारत होवित्जर M77 और बोफोर्स तोपों से लैस है। ऐसे में पीओके के पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना से पार पाना उसके बूते की बात नहीं है। चीन से होवित्जर 181 तोप और T-15 टैंक देने का समझौता जरूर हुआ है, मगर पाकिस्तान को उनके मिलने में काफी वक्त है। जनरल कमर जावेद बाजवा इस कारतूस लेकर सरगोधा तक हवाई यात्राओं का आनंद लेते घूम रहे हैं। अमेरिका से मिले F-16 हैंगर में खामोश खड़े हैं और शायद वे इसी तरह खामोश खड़े रह जाएंगे। पाकिस्तान के हालात नाजुक हैं और उसमें किसी जंग में कूदने की कुव्वत नहीं बची है। इस मामले में भी भारत बड़ी बढ़त हासिल कर चुका है। भारत द्वारा मोर्चेबंदी करने का अर्थ किसी जंग की तैयारी माना जा रहा है, जहां भारतीय सेना बस एक आदेश के इंतजार में है। चीनों या पाकिस्तान या फिर दोनों एक साथ आए, भारत की रणनीति दोनों धूर्त पड़ोसियों के मद्देनजर की गई है। पाकिस्तान को पेंगोंग की घटना से यह सबक मिल चुका है कि जिसे मुल्ला कौम सुपर पावर मानती है, भारत के लिए सुपर पावर के कोई मायने नहीं है। भारत अगर पाकिस्तान और म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है तो चीन में भी ऐसी स्ट्राइक करने का मादा रखता है। उसने यह मादा परसों करके दिखा भी दिया है, जिसने चीन के साथ पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा दिया है। भारत की सेना जानती है कि चीन से अक्साई चीन और पाकिस्तान से पीओके लेने का यह सही वक्त है। ऐसे अवसर भारत को बार बार प्राप्त नहीं होंगे। दुनिया चीन के खिलाफ और भारत के समर्थन में खड़ी है, जबकि पाकिस्तान दुनिया में पूरी तरह अलग थलग पड़ा है। भारत का साथ देने के लिए अमरीकी बम्बर आसमान का सीना चीर रहे हैं, तो दक्षिणी चीन सागर की छाती पर एयरक्राफ्ट कैरियर हलचल बढ़ा रहे हैं। यह सभी इस प्रतीक्षा में है कि कब चीन कोई गलत हरकत करे और उसे कड़ा जवाब दिया जा सके। अब वार्ता का दौर खत्म हो चुका है और मामला आर्य पार पर अटक गया है, जहां भारत सीना ठोककर चीन और पाकिस्तान को ललकार रहा है, पर चीन के विदेश मंत्री फ्रांस के सामने शांति की दुहाई देते घूम रहे हैं, जबकि इमरान खान हर तीसरे दिन मीटिंग करके मदरसा पैदाइश का हौसला बढ़ाने में व्यस्त है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।